हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके एग्रीकल्चर क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड रबी क्रॉप के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका कल पेपर होना है। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अलसी का वैज्ञानिक नाम है। तो अलसी का वैज्ञानिक नाम लाइनम यूसीटेटिसीसम होता है। अगला क्वेश्चन है, सूरजमुखी किस कुल की फसल है। तो सूरजमुखी कंपोजिटी कुल की फसल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरजमुखी के लिए उपयुक्त अंतरण। तो सूरजमुखी के लिए उपयुक्त अंतरण है 60x20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, सूरजमुखी की फसल के लिए RDF रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर कितना है। तो इसकी सूरजमुखी की फसल के लिए रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर 80-60-40 होता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश होता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त पीएच। गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त पीएच 6.5 से 7.5 होता है। अगला क्वेश्चन है, बसंतकालीन गन्ने की बुआई की जाती है। तो बसंतकालीन गन्ने की बुआई फरवरी मार्च में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की फसल को पत्तियों से पौधों को आपस में बांधना कहलाता है। तो टाइपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कृषिगत क्षेत्रफल किस फसल का है। तो विश्व में सबसे अधिक कृषिगत क्षेत्रफल गेहूं का है। सामान्य रोटी वाले गेहूं का वानस्पतिक नाम, तो इसका आंसर है ट्रिटिकल एस्टिवम। अगला क्वेश्चन है हमारा, गेहूं की पहली किस्म जो कम लंबाई व अधिक उपज देने वाली थी, तो यह नॉरिन 10 थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गेहूं का पुष्पक्रम कहलाता है। तो गेहूं का पुष्पक्रम वाली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः गेहूं की फसल में क्रमशः नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की संतुष्ट मात्रा होती है। तो नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम तथा फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, फैलेरिस माइनर किस कुल से संबंधित है। तो फैलेरिस माइनर ग्रेमिनी कुल से संबंधित है, या गेहूं में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गेहूं की प्रथम सिंचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए। तो गेहूं की प्रमुख सिंचाई CRI अवस्था पर देनी चाहिए, जो 21 से 25 दिन पर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिजका का उत्पत्ति स्थान। तो रिजका का उत्पत्ति स्थान पर्सिया ईरान है। अगला क्वेश्चन है, बरसीम की अनुकूल उत्पादन हेतु बीज दर। तो बरसीम की अनुकूल उत्पादन हेतु बीज दर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो अगला क्वेश्चन है, बरसीम के बीजों को उपचारित करते हैं। तो बरसीम के बीजों को राइजोबियम ट्राइकोलाई से उपचारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरजमुखी की अनुकूल बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। तो सूरजमुखी की अनुकूल बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीड बॉल फल है। तो सीड बॉल फल अलसी का है। अगला क्वेश्चन है, मसूर की बीज दर होनी चाहिए। तो मसूर की बीज दर 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चिनोपोडियम एल्बम किस खरपतवार का वैज्ञानिक नाम है। चिनोपोडियम एल्बम बथुआ का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैनोला का संबंध है। तो कैनोला का संबंध सरसों से है। अगला क्वेश्चन है, जौ की सूत्रक्रम के प्रतिरोधी किस्म है। जौ की सूत्रक्रम के प्रतिरोधी किस्म राजकिरण है, RD 387। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।